दोस्तों, क्या होगा अगर इंडिया की चैन को, मलेशिया की चैन को और तुर्की की चैन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दे? चैन बहुत मजबूत होती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इंडिया की चैन, मलेशिया की चैन और तुर्की की चैन में से कौन सी चैन ज्यादा मजबूत है, ये देखते हैं। सबसे पहले मलेशिया की चैन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। वैसे मलेशिया की चैन देखने में टकाटक है, और जैसे मलेशिया की चैन पे हाइड्रोलिक प्रेस की वजन पड़ती है तो 25 टन वजन में मलेशिया की चैन टूट जाती है। अब चलिए तुर्की की चैन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। हालांकि तुर्की के नाम से भी पतली उसकी चैन है, और जैसे हाइड्रोलिक प्रेस की वजन चैन पे पड़ती है तो मात्र 4 टन वजन में चैन टूट जाती है। ये अब इंडिया की चैन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद लिख दें। दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस की वजन इंडिया की चैन पे पड़ती है तो चैन को कुछ भी नहीं होती है और एंगल को तोड़ देती है।